गाइस, क्या आप लोगों की इंस्टाग्राम के रील्स की वीडियो वायरल नहीं हो रही है? तो उसके पीछे कुछ ऐसे रीजंस हैं जो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोगों को मिस्टेक्स कर रहे हैं जिस वजह से आप लोगों की इंस्टाग्राम के रील्स की वीडियो वायरल नहीं हो रही है। तो यार, आप लोगों को सिंपली क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना और सारी मिस्टेक्स को जानना है कि कौन कौन सी मिस्टेक्स आप लोग कर रहे हैं। और आप लोगों को कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मेरे को कि आप लोग इन मिस्टेक्स में से कौन कौन सी मिस्टेक्स कर रहे थे जिस वजह से आप लोगों की इंस्टाग्राम के रील्स की वीडियो वायरल नहीं हो रही थी। तो आज सारी मिस्टेक्स को आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि हम लोग क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं और आगे से उस मिस्टेक्स को ना करें ताकि हम लोगों की इंस्टाग्राम की रील्स की वीडियो ज्यादा से ज्यादा वायरल हो। ठीक है, तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से दो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। पहली तो वीडियो को लाइक कर दो, दूसरी ये कि कमेंट जरूर करना आप लोगों को। जैसा मैंने आपको बताया कि आप लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं तो वो कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो मेरा नाम है मनीष और आप लोग देख रहे हैं मनीष फॉर यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, सो मैंने अभी रिसेंटली कुछ दिनों में 6 इंस्टाग्राम रील्स बनाई है। ठीक है, मतलब 6 में से मेरी 2 इंस्टाग्राम रील्स की वीडियो वायरल हुई हैं। एक पे है 133K व्यूज़ है और एक पे 79K है, जो अभी रिसेंटली चली रही है, उस पर और व्यूज़ बढ़ेंगे। तो वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी है, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मतलब 6 में से मेरी 2 रील्स वायरल हो गई हैं, तो इतनी भी ज़्यादा वायरल नहीं हुई बट अच्छी खासी वायरल हुई है, मेरे फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग अच्छी खासी वायरल हुई है। ठीक है, तो उस चीज़ से ऑब्जर्व करी हुई चीज़ सारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जो सबसे पहले मिस्टेक ये है कि देखो यार, हम लोग ना ब्लरी टाइप की वीडियोज़ बनाते हैं या फिर ऐसी वीडियोज़ बनाते हैं जो बिल्कुल लो रिजोल्यूशन वीडियोज़ होती हैं, जिसमें बिल्कुल क्वालिटी नहीं होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, आप लोगों ने कई बार ऐसी वीडियोज़ देखी होंगी कि कोई वीडियो बना रहा है जिसमें सॉन्ग अलग जा रहा है और वीडियो अलग जा रही है, बिल्कुल एकदम अटक अटक के वीडियो चल रही है जिसमें बिल्कुल भी रिजोल्यूशन नहीं है। तो देखो यार, इंस्टाग्राम अपनी तरफ से उस वीडियोस को रिकमेंड करता है, लेकिन क्या होता है, जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, जिस वीडियो में बिल्कुल भी क्वालिटी नहीं है तो आप उस वीडियो को शेयर करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप उस वीडियो को देखेंगे? बिल्कुल नहीं। तो आप लोगों को हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आप लोग इंस्टाग्राम रील्स की वीडियो को वायरल करना चाहते हैं तो आप लोगों को ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी कि लो रिजोल्यूशन वीडियोस बिल्कुल नहीं डालनी है और ऐसे वीडियोस बिल्कुल नहीं डालनी है जिसमें पूरा ब्लर हो रहा है, मतलब फेस भी ब्लर हो रहा है, पूरा चीज़ें ब्लर हो रही हैं, तो ब्लरी टाइप की वीडियोस नहीं डालनी है। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि आप लोगों को लो रिजोल्यूशन वीडियोस नहीं डालनी है, थोड़ी सी क्वालिटी पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, तब जाके आप लोगों की इंस्टाग्राम की रील्स वीडियो वायरल होंगी। ठीक है, तो पहली मिस्टेक ये है कि आप लोगों को मैंने जो चीज़ें बताई कि आप लोगों को लो रिजोल्यूशन वीडियोस नहीं डालनी है, ब्लरी वीडियोस नहीं डालनी है और लो क्वालिटी वीडियोस नहीं डालनी है, तो ये चीज़ आप लोगों को अवॉइड करनी है, उसके बाद आप लोगों की इंस्टाग्राम की रील्स की वीडियो वायरल होंगी। अब सेकंड चीज़ जो मैटर करती है वो वाटर मार्क। अब आप सोच रहे होंगे वाटर मार्क में क्या कहना चाह रहा हूँ। आप लोग क्या करते हैं, जैसे जो आप लोगों ने पहले टिकटॉक पर वीडियोस बनाई हैं उसको डायरेक्टली सेव करते हैं और उसके बाद रील्स में डाल देते हैं, लेकिन आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखें कि अगर उसमें टिकटॉक का वाटर मार्क आ रहा है तो इंस्टाग्राम रील्स अगर उसको ऑब्जर्व कर लेगा, अगर उसको समझ आ जाएगा कि इसमें किसी भी प्रकार का वाटर मार्क है तो वो वीडियो रिकमेंड नहीं होगी ज़्यादा लोगों को। अब इसका रीज़न ये है कि इंस्टाग्राम रील्स नहीं चाहता कि अदर प्लेटफॉर्म की वीडियोस उसके प्लेटफॉर्म पे आए। तो अगर आप लोग ऐसी वीडियोस डालना चाहते हैं जो आप लोगों के टिकटॉक की हैं तो उसको आप लोगों को अलग तरीके से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद ही उसको, मतलब जिसमें वाटर मार्क नहीं आ रहा ऐसी वीडियो डालनी है। अगर आप लोग इस तरीके के ऐप से एडिट कर रहे हैं जिसमें वाटर मार्क आ रहा है तो इस चीज़ को भी अवॉइड करनी है। बहुत सारे फ्री ऐप्स हैं जिनका आप लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे VN वीडियो एडिटर, इसमें आप लोगों को वाटर मार्क देखने को नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर आप लोग ये चीज़ें ध्यान में रखें कि आप लोग जो इंस्टाग्राम रील्स में वीडियोस डाल रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का वाटर मार्क ना आए, ना किसी ऐप्स का, ना किसी वेबसाइट का, या किसी भी तरीके का उस वीडियो में वाटर मार्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोगों को अवॉइड ज़्यादा से ज़्यादा करना है। सो मिस्टेक नंबर 3 के बारे में हम लोग बात करते हैं। मिस्टेक नंबर 3 है कि हम लोग ना अपनी इंस्टाग्राम रील्स की वीडियो में बॉर्डर ऐड करते हैं। तो आप लोग हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखें कि बॉर्डर आप लोगों को इंस्टाग्राम रील्स की वीडियो में ऐड नहीं करना है। अगर आप लोग फेस कैम वीडियोस बना रहे हैं, लाइक जैसे मैं फेस कैम वीडियोस डालता हूँ इंस्टाग्राम रील्स में, तो अगर आप लोग इंस्टाग्राम रील्स में बॉर्डर वगैरह यूज़ करते हैं तो इंस्टाग्राम रील्स उस वीडियो को ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता है। सो मेक श्योर आप लोग एक चीज़ ज़्यादा ध्यान में रखें कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की वीडियोज़ में आप लोगों को बॉर्डर्स यूज़ नहीं करने हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें कि आपका वीडियो में फेस ज़्यादा दिखे। बॉर्डर वगैरह चीज़ें आप लोगों को ऐड बिल्कुल भी नहीं करनी है, एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो आप लोगों को मेक श्योर आगे से ये चीज़ें नहीं करनी है कि आप लोग अपनी वीडियोस में बॉर्डर वगैरह सारी चीज़ें ऐड कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। फोर्थ मिस्टेक के बारे में हम लोग बात करते हैं। फोर्थ मिस्टेक ये है कि हम लोग ना क्या करते हैं, जैसे अगर हम लोग कोई वीडियो बना रहे हैं इंस्टाग्राम रील्स में तो उसमें क्या करते हैं, पूरे में टेक्स्ट भर देते हैं। अगर हम लोग फेस कैम वीडियो बना रहे हैं तो उसमें पूरे टेक्स्ट भर देते हैं, मुंह पे भी टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ भी टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ भी टेक्स्ट आ रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप लोग
से अगर टैक्स वगैरह ऐड करते हैं, सो एग्जांपल मैं देता हूँ कि ये मेरी रील्स की वीडियो शूट हो रही है, ठीक है, तो इतने एरिया में मैं टैक्स ऐड करूँ, मैं फेस वगैरह में ऐड ना करूँ और टैक्स में मिनिमम ऐड करूँ। ऐसा नहीं कि पूरी टैक्स से टैक्स भर दिए मैंने, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये फोकस करना है कि अगर आप लोग फेस कैम वीडियोज़ बना रहे हैं तो आप लोगों की वीडियो में फेस ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दे। बाकी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, जैसा ये नहीं बोल रहा मैं कि आप लोग चीज़ें ऐड नहीं कर सकते, आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप लोग मेक श्योर ये चीज़ें ध्यान में रखें कि आप लोगों का जो टेक्स्ट है वो यहाँ इस वाले सेक्शन से ऊपर ना जाए क्या, क्योंकि नहीं तो आप लोग क्या करते हैं पूरे सेक्शन में टैक्स ऐड कर देते हैं, तो ऐसी वीडियोस ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आती, लोग शेयर नहीं करेंगे, इस वजह से आपकी इंस्टाग्राम रील्स की वीडियो वायरल नहीं होगी, सेव नहीं करेंगे, सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो रील्स की वीडियो वायरल नहीं होगी। तो ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी कि पूरे वीडियो में टैक्स ही टैक्स चल रहे हैं और आप बोल कहीं और रहे हैं, टैक्स कहीं और चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखना है कि आप लोगों को टैक्स उल्टे सीधे बिल्कुल यूज़ नहीं करना। फिफ्थ और लास्ट मिस्टेक के बारे में हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों को वही म्यूज़िक इंस्टाग्राम रील्स में यूज़ करना है जो इंस्टाग्राम रील्स की लाइब्रेरी में अवेलेबल हो। अब लाइब्रेरी जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे अगर हम लोग म्यूज़िक वाले सेक्शन में जाते हैं वहाँ पर ढेरों म्यूज़िक अवेलेबल है, लेकिन आप लोग कोई अदर प्लेटफॉर्म के म्यूज़िक जो लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है इंस्टाग्राम रील्स में वो यूज़ करेंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसका कॉपीराइट इंस्टाग्राम रील्स के पास नहीं होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि यार वो वीडियो ज़्यादा ज़्यादा मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने नोटिस करा है वो ज़्यादा ज़्यादा लोगों को रिकमेंड नहीं होते, और कभी कभार क्या होता है जो कॉपीराइट ऑनर है वो कॉपीराइट भी दे सकता है जहां तक है, तो वो आपकी वीडियो भी ब्लॉक हो सकती है। तो इस वजह से मेरा सजेशन है कि अगर आप लोग इंस्टाग्राम लाइब्रेरी के म्यूजिक को यूज करेंगे तभी बेस्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए रहेगा, और ये मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी है कि कोई भी म्यूजिक कहीं के भी उठा दिए, जो लाइब्रेरी में अवेलेबल है उनको यूज़ करोगे तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। एक और मैं बोनस पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि आप लोग ना ट्रेंडिंग म्यूजिक का यूज़ नहीं करते, ये सिक्स्थ मिस्टेक है। अगर आप लोग ट्रेंड म्यूजिक का यूज़ नहीं करते तो आप लोग अगर सिंग वीडियोज़ बनाते हैं तो रील्स में वायरल होने के चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, अगर कोई भी ट्रेंडिंग म्यूजिक है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनते हैं, तो अगर उनको आपकी वीडियोज़ पसंद आए या ना आए वो म्यूज़िक सुनने के लिए आपकी वीडियो देखते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें कि ट्रेंडिंग म्यूज़िक को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें अपनी इंस्टाग्राम रील्स में, अगर नहीं कर रहे हैं अभी तक तो। तो ये सारी मिस्टेक जो मैंने आप लोगों को इंस्टाग्राम रील्स की बताई, अगर आप ये मिस्टेक्स कर रहे होंगे तो आपकी इंस्टाग्राम रील्स वीडियो वायरल नहीं होंगी। तो आज से इस मिस्टेक को बंद कर दो ताकि आप लोगों की इंस्टाग्राम की रील्स की वीडियो वायरल होना स्टार्ट हो जाए। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो डालूं तो आप लोग मिस ना करें। तो मैं मिलता हूं आपसे ऐसे किसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मनीष फॉर यू।